बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मत मुसलमा के लिए इस वक्त कयामत सुग्रा का मंजर है। तुर्की और शाम में शदीद जलजला, सैकड़ों अफराद जाँ बहक। तुर्की के जनूबी इलाकों और शाम में सुबह सवेरे 7.8 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी। अब तक सैकड़ों जख्मी और जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त मुतअद्दिद बुलंदोबाला इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं, जिससे तकरीबन मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2000 के करीब लोग जाँ बहक हो चुके हैं। मजीद शहादतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त काफ़ी लोग इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। नाजरीन, जलजले का मरकज तुर्किया से जनूब में गाजी अंटप सूबे के इलाके निर्दागी में था, जबकि जलजले की गहराई 17.9 किलोमीटर थी। तुर्क मीडिया के मुताबिक जलजले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। तुर्की में 7.8 शिद्दत के जलजले के बाद कयामत सुगरा का मंजर है। आने वाली इत्तलाआत और अंदाजे के मुताबिक हज़ारों अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हैं। मलबे तले लोगों की मदद के लिए चीखों पुकार जारी है। नाजरीन ग्रामी, इमदादी कामों के दौरान दूसरा जलजला आ गया। ये वीडियो देखें। या अल्लाह तो रहम फरमा, आमीन। सुबह के वक्त इलाके में आने वाले जलजले के बाद जनूबी तुर्की के शहर सानलियाफार में एक इमारत के गिरने का लम्हा की वीडियो है। या अल्लाह रहम रहम रहम। बाज़ ज़राए के मुताबिक कल लाहौर से C-130 तैयारा रेस्क्यू 1122 के 55 अफराद पर मुश्तमिल टीम और उनके साथ 16 टन सामान लेकर तुर्किया जाएगा। यौमिया 15 से 20 टन सामान पाकिस्तान की जानिब से तुर्किया और शाम भेजा जाएगा। नाजरीन ग्रामी, 1 मिनट के शदीद जलजले ने तुर्की के 10 सूबों के 2880 के करीब रिहायशी इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया है। तमाम मुसलमानों को इज्तमाई तौबा की ज़रूरत है। हम मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करें, रब ताला को राज़ी करें। हम मुसलमानों के जो आमाल हैं जलजले और वबाओं का सबब बनता जा रहा है। इस मुश्किल की घड़ी में तमाम उम्मत तुर्की, शाम, लबनान और फिलिस्तीन के मुसलमानों के गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को जानी और माली नुकसान से बचाए। दुनिया भर के मुसलमानों को आगे बढ़कर अपने इन भाइयों की हर तरह की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का हामी और नासिर हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को आल पर प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।